तो आज ट्राई करने लगी हूँ मैं कैपेचिनो हेज़लनट्स। ये मैं होम मार्ट से लेकर आई थी, जैसे ही बिल्डिंग में एंटर हुई डोर के सामने दूध का ऑर्डर भी पड़ा था, तो दूध नहीं था, दूध भी आ चुका था। इसको लेके चलते हैं अब अंदर। तो जूते हमेशा रूम से बाहर उतारते हैं हम लोग, इंडियन लोग ऐसे ही करते हैं, जूते कभी भी अंदर नहीं लेके आते। घर के लिए अलग होते हैं और बाहर के लिए जूते अलग होते हैं। तो जी ये 10 स्टिक्स थी, इसमें एक स्टिक ट्राई करती हूँ मैं। इसमें कॉफ़ी डाली, चीनी का 1 चम्मच और नीम गर्म पानी वो भी 1 चम्मच। अच्छी तरह बीट करना है इसको कि ये फ्लफ़ी सी हो जाए। इसको तकरीबन 15 मिनट इसको अच्छी तरह मैंने बीट किया है, तो ये फिर मिक्सचर इसका रेडी हो गया। कॉफ़ी और चीनी का मिक्सचर ऐड करेंगे पहले इसमें, और फिर दूध को गर्म करके उसमें, दूध में भी आप चीनी डाल सकते हैं चाहे तो अगर मीठा पसंद करते हैं आप। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फ्लू और खांसी मुझे शदीद हुई हुई है, सर्दी लग गई है मुझे भी, तो मैं पीती हूँ अपनी कॉफ़ी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सर्दी से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि सर्दी है। और यहाँ पे तो वेदर फोरकास्ट में चेक करो तो -11 और फीस लाइक देखो तो -15। इतनी सर्दी है, मेरी ये पहली सर्दी है, मुझे सर्दी लग गई है। वो कहते हैं ना बच्चों की भी कि पहली सर्दियाँ लग जाती हैं, तो मुझे ये कोरिया की पहली सर्दी लग गई है। ओके जी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।